गणेशोत्सव आया है। इस पृष्ठभूमि में कोल्हापुर में गणेश मूर्ति व्यवसाय में उत्साह का माहौल है। गणेश प्रतिमा बनाने का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में घरेलू गणेशोत्सव के लिए आवश्यक मूर्तियों की पेंटिंग का काम जोरों से चल रहा है। कोल्हापुर के बापट कैंप में मूर्तिकार गणेश मूर्ति बनाने में व्यस्त होने का चित्र दिखा जा रहा है। कुंभार संघ के अध्यक्ष संभाजी माजगांवकर ने कहा कि कोरोना काल में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से कच्चा माल मिलने में कुछ दिक्कतें आ रही है और उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमतों के अनुपात में कीमत नहीं चुका रहे। पिछले 2 वर्षों के दौरान गणेश मूर्तियां व्यापारियों को बाढ़ के दौरान भारी नुकसान हुआ था। बापट कैंप क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बाढ़ के पानी के कारण गणेश मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई और व्यापारियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ। इस समय इन व्यापारियों ने खतरे से बचने के लिए एक योजना शुरू की और जिला प्रशासन ने इन व्यापारियों को बाजार प्रांगण में गुड़ का गोदाम उपलब्ध कराया, ऐसी जानकारी संभाजी माजगांवकर ने दी है। मी कुंभार संघाचे अध्यक्ष मूर्तिकार संघाचे अध्यक्ष संभाजी माजगांवकर बोलतोय। आम्हाने गणपतीच्या जी पूर्वपरिस्थिती मागच्या 2-3 वर्षात जे आम्हाने कोरोना पूर्वपरिस्थिती ही सगळी झाल्यामुळे आम्ही आता एवढा अडचणीत झालेलो आहे की आत्ताची जी पूर्वपरिस्थिती जरी झाली तर आम्ही त्या पद्धतीने आम्ही आपले यार्डातले गुळाचे गोडाऊन भाड्याने घेऊन त्यात म्हणजे गणपती नेऊन ठेवणार आहे। आणि असे काय आता येणारा रॉ मटेरियल आहे, ह्या रॉ मटेरियलची जी वाढ झाली आहे ती वाढ आपण गिराकात देऊ शकत नाही। आणि गिराक काय करायला लागले, आपल्या हया दरामध्ये मागून घेऊन जायला, कारण रॉ मटेरियलचं आमचे पैसे काही निघणं झालेले आहेत। तरी आमचं आता जवळजवळ गणपतीचं काम 80% पूर्ण झालेलं आहे। आता राहिलेलं आहे 30-40 दिवस, आता आगमनाची फक्त वाट बघत आहे आम्ही।